हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लाई हूँ आपके लिए हेल्दी ओट्स का नाश्ता। तो चलिए फटाफट उसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है दही, ये घर की दही है। इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 किशमिश, और ये गीले वाले जो खजूर होते हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लेंगे। और इसको अब हम मिक्सी में एक बार फेंट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे दही जो है वो हमारी फिट चुकी है। इसको अब हम शिफ्ट करेंगे हमारे एक जार में। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून चिया सीड्स है, जिसको मैंने रात में पानी में भिगो दिया था, उसको भी मैं हमारी दही में ऐड करूंगी। और इस तरीके से उसको मिला लें। अब बारी है इसमें मिलाने की। एक मीडियम साइज का आम, ज़्यादा बड़ा साइज ना लें, और उसको छील के इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और मिक्सी के जार में अब हमें इसको भी पीसना है। तो मैं आपको ये पीस के दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे मैंने आम के पीसेस करके जार में डाल दी है। साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप रोस्ट किए हुए ओट्स। इसको मैंने हल्का सा भून लिया था, और अब इसको हम एक साथ पीस लेंगे। जब हम ओट्स और आम को पीसेंगे तो वो बहुत थिक हो जाता है ओट्स की वजह से। तो इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड कर सकते हैं, या फिर पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से इसको थिक पेस्ट बना लिया है। इसको भी अब हम डालेंगे हमारे इस दही वाले जार में। और साथ ही इसके ऊपर मैं गार्निश करने वाली हूँ 4 बादाम। इनको मैंने रात को भिगो दिया था, इसके छिलके उतार लिए हैं, और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। आप छोटे छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। वॉलनट है, पिस्तैशियो है। अगर आप वॉलनट यूज़ करें तो उसको भी पानी में भिगो के उसके बाद यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट वॉलनट खाएंगे, अखरोट जो होता है, तो हो सकता है कि आपका वज़न कम होने के बजाय बढ़ जाए। तो उसको भी हमेशा भिगो के ही यूज़ करें। तो ये देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। इसको आप खाइए, आपका पेट काफ़ी देर तक फुल रहेगा और खाने में टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।